नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। उत्तर प्रदेश एक खनिज संपदा से धनी राज्य है। यहां चूना पत्थर, कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट, कांच बालू, पोटाश लवण, सेल खड़ी, पायराइट्स, रॉक फास्फेट, हीरा, तांबा, यूरेनियम, संगमरमर, जिप्सम, सैंडस्टोन जैसे अनेक खनिज पदार्थ मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश में सोना भी मिलता है, जिसके लिए शारदा और रामगंगा नदी की रेत विख्यात है। इस रेत में सोना पाया जाता है। अब इस खनिज संपदा से लबालब धरती के एक और कोने से काफी ज्यादा मात्रा में सोना बरामद किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सोनभद्र की दो जगहों पर करीब 3000 टन सोने का अयस्क मिलने का दावा किया है, जिससे करीब 1500 टन सोना निकाला जा सकेगा। इसकी पुष्टि होने के बाद अब नीलामी की प्रक्रिया के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही सोने के ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी, जिसके लिए सरकार ने 7 सदस्यीय टीम का भी गठन कर दिया है। सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र के हरदी गांव में और दुद्धी तहसील के महुली गांव के सोन पहाड़ी में सोने का भंडार मिला है। हरदी क्षेत्र में 646.15 किलोग्राम सोने का भंडार है। वहीं सोन पहाड़ी में 2943.25 टन सोने का भंडार मिला है। सरकार की तरफ से गठित 7 सदस्यीय टीम पूरे क्षेत्र की जियो टैगिंग करेगी और 22 फरवरी 2020 को अपनी रिपोर्ट भूतत्व और खनिज कर निदेशालय लखनऊ को सौंपेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोना ही मिला है, बल्कि इसके साथ साथ सोनभद्र के फुलवार क्षेत्र में दो जगहों पर और सलैया डीह क्षेत्र में एडालुसाइट, पटवद क्षेत्र में पोटाश, भरहरी में लौह अयस्क और छपिया ब्लॉक में सिलिमेनाइट के भंडार की भी खोज की गई है। अब इस सब के बाद अब खनिज अधिकारी के राय ने बताया कि सोनभद्र जिले में यूरेनियम का भंडार मिलने की भी संभावना है। केंद्रीय और अन्य टीमें यूरेनियम की भी तलाश में लगी हुई हैं। खनिज अधिकारी के मुताबिक भूतत्व और खनिज कर्म विभाग और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इस पर काम कर रही है। जल्द ही पट्टा देने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उससे पहले अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। आकलन किया जा रहा है कि कितनी राजस्व भूमि है और कितनी वन विभाग की है, जिससे खनन के लिए वन विभाग से अनुमति की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। आपको बता दें कि साल 2005 से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहां पर रिसर्च कर रही है, जब सोनभद्र में सोना होने की बात सामने आई थी। फिर साल 2012 में इस बात की पुष्टि भी की गई थी कि सोनभद्र की पहाड़ियों में सोना मौजूद है। अब इसको लेकर राज्य सरकार ने थोड़ी तेजी दिखाई है। सोने के आवंटन के संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोना के अयस्क से सोना निकालने की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले तो सोना आमतौर पर या तो अकेले या पारे या सिल्वर के साथ मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। सोना अयस्क से सोना हासिल करने के सभी तरीकों में सबसे पहले अयस्क को धोया जाता है, फिर उसे मिल में भेज दिया जाता है। मिल में अयस्क को पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है। फिर अयस्क को पारे की परत चढ़ी हुई प्लेटों से होकर गुजारा जाता है। स्वर्ण और पारा मिलकर अमलगम बनता है। फिर इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पारा गैस बनकर उड़ नहीं जाता। इसके बाद जो बच जाता है वो सोना होता है। पारे की गैस बहुत ज्यादा जहरीली होती है और इसीलिए इसके निकलते वक्त काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है।